गुड आफ्टरनून चेतन एंड जासमिन कैसे आप लोग क्या हालचाल आप लोगों के सबसे पहले तो अच्छी न्यूज आप लोगों को सुना दू जीएसटी जी हाँ डायरेक्ट एक्सेस का यूट्यूब लाइव वाला सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं और जीएसटी जीएसटी कल से विशाल सर ले रहे हैं तो हां आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल से आपका जीएसटी होने वाला है विशाल सर जीएसटी लेने वाले हैं और डायरेक्ट एक्सेस का पार्ट मेजरली आज खत्म हो जाएगा ये सोनो सो हाउ मेनी पीपल आर वेटिंग मुझे जल्दी से बताओ कितने लोग एक्साइटेड है कि हाँ सर हमें जीएसटी देखने को मिलेगा गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सब लोग एक्साइटेड है या नहीं है यस और नो जल्दी से बताओ सब लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो जीएसटी के लिए जीएसटी कल आ रहा है सो so yes, सबसे बड़ी खबर ये आई थिंक जय सर ने भी आपको बता दिया विशाल सर ने भी कंफर्मेशन दे दिया कि जी हाँ हम लोग जीएसटी कल से कंटिन्यू करेंगे चलिए रेसिडेंशियल स्टेटस है ओ क्या बात है आप सभी लोग वेट कर रहे हो बहुत बढ़िया साहब मैं आपको कहूंगा कि आपको कल एक अलग ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा बहुत मजा आएगा जीएसटी के अंदर में जीएसटी आपको मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं आपको जीएसटी और डीटी के अंदर में मेजर डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा जीएसटी और डीटी के अंदर में मेजर डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि जीएसटी इज अ बिजनेस टैक्स तो आपको बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा आपके न्यू विजन ओपन होंगे अब तक के आप बिजनेस को जिस तरीके से देखते हैं जीएसटी को पूरे अलग एंगल से देखोगे एंड बॉस विशाल सर उस चीज़ को बहुत ही अलग लेवल पे दिखाते हैं और मोटिवेट करते है, almost मुझे ही नहीं हर टीचर को कि notes को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाए yes no? so, कल डी के टाइम पे आपको जीएसटी देखने को मिलेगा राइट right? एंड सर मैं आपको जरूर कहूंगा कि प्लीज एक बार आपने सर के नोट्स देख लेना हम सबके नोट्स तो आपको मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाओ क्या नोट्स है तो उनके वा वा वाओ वाले नोट्स रहेंगे राइट प्लस इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस सी ए फाइनल लेवल पे इतना बड़ा एक्सपीरियंस तो सर आपको बहुत मजा आएगा कंटेंट वाइज तो साहब किसी बात का तोड़ ही नहीं है बहुत अलग लेवल का कंटेंट है तो सर जरूर देखिएगा चलिए आगे आते हैं आगे आते हैं बढ़ते हैं साहब आगे हम लोगों ने क्या क्या रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर फाइव स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन नंबर सेवन इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन नंबर नाइन डीम टू अक्रोर अराइज इन इंडिया इसके अंदर के दस पॉइंट थे उसमें से पहला पॉइंट था बिजनेस कनेक्शन बिजनेस कनेक्शन के तीन पार्ट व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस 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 कनेक्शन 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 नॉट अ व्हाट इज अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट स्टॉक मेंटेन करता है कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट को या उसके ऑर्डर सिक्योर करता है तो यह बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा yes no. इसके अलावा हमने देखा था वट इज डीम्ड बिजनेस कनेक्शन अगर किसी व्यक्ति का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया के अंदर में है तो यस yes, उसे डीम्ड बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब क्या होता है अगर परचेज सेल

Yes और नो no. तो ये सारी बातें देखने के बाद हम यहां आए थे और यहां से आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने कल ही लिए थे और आज इसके आगे सॉल्व करने वाले हैं इस बार बुक में सबसे बड़ा चेंज मैंने क्या किया है इस बार बुक के अंदर में सिंस बहुत सारे अमेंडमेंट थे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व डाले हैं और कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व डाले हैं क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था सो so दैट आप समझ सकें कि, कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट या क्या चीजें जनरली एक आंसर के अंदर में चाहिए होती है या आपको एक इनसाइट दे देगा कि क्या चीजें आपको आंसर के अंदर में चाहिए होती है और फिर अनसोल्व को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे सोल्व करेंगे राइट right? आप सभी को पता है जब हम लोग अनसोल्व ले रहे हैं क्वेश्चन ले रहे हैं तो इसके अंदर में आईसीए मटेरियल हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है राइट अदर रेफरेंस मटीरियल इंस्टीट्यूट मटीरियल भी हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंसिडर हुए हैं, बिकॉज दीज आर बाइबल और इनको छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते सो यू नीड टू बी बात सब कुछ कवर किया हुआ है, आइए आगे, आगे हैं। मैं पेज नंबर के ऊपर आइए तब से पहले। इंडियन सिटीजन आई हाई अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन इंडियन सिटीजन मिस्टर ए इज एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन मुंबई सिंस 1950 ही लेफ्ट चाइना ऑन फर्स्ट जुलाई 2015 एंड केम बैक ऑन सेवेंथ ऑगस्टेंड ट्वेंटी टू स्टॉप पहले कुछ चीजों के ऊपर फोकस करो उसने आपको बहुत सारी दुनियादारी घुमा के बताई कि हम 1950 में मुंबई के अंदर में रहते थे फिर हम चाइना के अंदर में चले गए हम फिर से घूम करके इंडिया के अंदर में आ गए अब जरा दिमाग लगाना हम इंडिया में कितने तारीख को आए सेवेंथ अगस्त 2020 मतलब सात अगस्त से लेकर के प्रीवियस ईयर के लिए ढूंढ रहे हैं ट्वेंटी यानी आपको देखना है इस प्रीवियस ईयर में असैसी कितने दिन इंडिया के अंदर में है वो कहते हैं वो कहते हैं कि सात अगस्त दो को आप कहां आ चुके हो इंडिया के अंदर में आ चुके हो अगर सेवेंथ अगस्ट दो 2020 को सेवन अगस्त 2020 को आप इंडिया के अंदर में आ चुके हो मालिक तो बॉस काम खत्म सात अगस्त से लेकर के से ले के के, अगस्त अगस्त, अगस्त से लेकर मार्च तक क्या हम के कितने दिन काउंट करेंगे सबसे पहले तो ये सोचो अगस्त में दिन कितने आते थर्टी वन डेज राइट right? ये सेवेंथ को आ गया है द डे कम्स इंडिया एंड डे ही लीव्स इंडिया आर काउंटेड यस तो को अगर के ऑगस्ट के नंबर ऑफ डेज ट्वेंटी पूरा इंडिया में रहा थर्टी डेज अक्टूबर इंडिया में रहा अक्टूबर नवंबर इंडिया में रहा नवंबर दिसंबर इंडिया में रहा थर्टी फर्स्ट जनवरी थर्टी फर्स्ट फेरवरी ईयर नहीं है इसके लिए ट्वेंटी एट और मार्च के थर्टी वन तो जरा ध्यान से देखेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी वन प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी वन इन टोटल टू थर्टी सेवन डेज ही रिमेन्स इन इंडिया टू थर्टी सेवन डेज ही रिमेन्स इन इंडिया अब जरा सोच के देखिए सेक्शन सिक्स वन इंडिविजुअल के लिए सेक्शन सिक्स वन इंडिविजुअल के लिए क्या था इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एट्टी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर वो रेसिडेंट माना जा सकता है अब बताइए क्या प्रीवियस ईयर ईयर क्या प्रीवियस के अंदर में वो मोर देन एटी टू डेज इंडिया में है हा या ना और अगर हाँ तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा रेसिडेंट डू यू अग्री विद पॉइंट एवरीबडी डू यू अग्री विद पॉइंट ही इज रेसिडेंट बिकॉज ही स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन फॉर मोर देन वन एटी टू डेज इज ही रेसिडेंट येस और नो री गुड बेटा ही इज रेसिडेंट जो नॉन रेसिडेंट कह रहा है बेटा तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस वापस पढ़ना स्टे इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ वन एटी टू डेज इन प्रीवियस ईयर मिस्टर ए स्टेड फॉर टू थर्टी सेवन डेज इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो दिस टेस्ट इज सैटिस्फाइड सो मिस्टर ए शाल बी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अच्छा सिर्फ रेसिडेंट हो जाता है या इसे आर ओ आर आर एनओ आर भी बनाना होता है आप जरा सोच के देखिए सिर्फ रेसिडेंट होने से काम हो जाएगा या इसे आर ओ आर आर एनओ आर भी करना पड़ेगा इंडियन इंडिविजुअल है तो इसे आर ओ आर आर एनओ आर में फर्दर क्लासीफाई करने पड़ेंगे आर ओ आर की कितनी कंडीशन थी मालिक दो आर ओ आर की कितनी कंडीशन थी मालिक दो बताओ आर ओ आर की दो कंडीशन कौन सी थी ही इज रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर डू यू अग्री अब जरा ध्यान से सुनना अगर वो 2015 से ही कहां पे है बेटा ही लेफ्ट चाइना इन जुलाई मतलब जुलाई 2015 के बाद वो इंडिया आ चुका है बराबर पंद्रह सोलह इंडिया में था जुलाई से सोलह सत्रह पूरा इंडिया में था सत्रह अठारह पूरा इंडिया में था अठारह उन्नीस इंडिया में था उन्नीस बीस इंडिया के अंदर में था यानी आप सोच लीजिए टेंटेटिवली पिछले चार साल से इंडिया में है इंडिया में है मतलब 365 डेज इंडिया में है मतलब टू आउट ऑफ टेन का क्राइटेरिया तो बाय डिफॉल्ट में वो सेटिसफाई कर रहा है बराबर है तीन साल से भी अगर वो इंडिया में है पिछले 16, 17, 17, 18, 18, 19, तो 365 सिक्सटी फाइव इंटू थ्री कर लो अपन थ्री सिक्सटी फाइव डेज नहीं है इंटू थ्री वन जीरो मतलब सेवन थर्टी डेज वाला क्राइटेरिया भी ये पूरा कर लेगा सेवन थर्टी डेज वाला क्राइटेरिया भी ये पूरा कर लेगा यानी क्या मैं कह सकता हूं सिंपली आर ओ आर आगे पढ़िए मिस्टर ए सैटिस्फाइड टू एडिशनल कंडीशन ऑल्सो नेमली ही इज रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर्स कैसे कैसे देख लो साहब टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर्स एंड his stay also is more than 730 days in 7 previous preceding years as he left japan on 1st july 2015 hence mr a is resident and ordinarily resident in india for the assessment year 21 22 is that done is that done चलो मालिक इस चार्ट को अगर तुम देखोगे तो एनआर के कंसिडरेशन के अंदर में ये पॉइंट डाला हुआ है जरा ध्यान से देखना चार्ट को नहीं तो तुमको लगेगा ये चार्ट उल्टा है क्वेश्चन नंबर टू पे आई डॉक्टर बी इज एन इंडियन सिटीजन एंड प्रोफेसर इन आईआईएम आई कहा है वो इंडियन सिटीजन एंड प्रोफेसर इन आई लखनऊ लेफ्ट इंडिया ऑन फिफ्टीन सेप्टेंबर ट्वेंटी मिनट इंडिया कब के जा रहा है 15 सितंबर 2020 को वो इंडिया छोड़ के जा रहा है यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अप्रैल से सितंबर तो वो इंडिया में ही था रिपीट रिपीट ध्यान से सुनिए बी इज एन इंडियन सिटीजन एन अ प्रोफेसर इन आई आई एम प्रोफेसर इन आई आई एम लखनऊ लेफ्ट इंडिया ऑन फिफ्टीन सप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फिफ्टीन टू For USA to take up a professor's job in MIT USA, determine the residential status. रुक जा क्यों छोड़ के जा रहा है For employment outside India। वो इंडिया क्यों छोड़ के जा रहा है For employment outside India। वो इंडिया कब छोड़, छोड़, छोड़ के जा रहा है 15 सप्टेंबर 2020 मतलब अप्रैल 2020 से 15 सेप्टेंबर तक के वो इंडिया में जब तक कुछ और नहीं दिया हम तो कॉमनली यही अज्यूम कर लेंगे जब तक कुछ और नहीं दिया हम तो कॉमनली ये अज्यूम करेंगे अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है जॉब के लिए ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इफ जवाब दीजिए आगेगा अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इफ जवाब चाहिए मुझे जल्दी से बताइए कब रेसिडेंट माना जाएगा उसे अगर कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो कब मान लेंगे कि हां भैया ही इज अ रेसिडेंट नो बडी एबल टू रिप्लाई? वेरी गुड अंशिका वेरी गुड दीपांशु क्या हमें याद है सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं होगी तीन लोगों के ओनली वन एटी टू डेज का बाहर बी वन एटी टू डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट बड़ा सिंपल क्राइटेरिया होगा अरे हाँ या, हाँ तो अब जरा सोच के देखते हैं मेरे बच्चे अब जरा सोच के देखते हैं अप्रैल अप्रैल के कितने दिन पूरे थर्टी डेज पकड़ू मे थर्टी वन जून थर्टी जुलाई थर्टी वन ऑगस्ट थर्टी वन सर जुलाई और अगस्त दोनों में थर्टी वन आते हैं हां जिसको याद नहीं आ रहा वो बचपन में करते थे ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे वाली सिचुएशन आप कर सकते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसा आप कर सकते हो और सितंबर के हम कितने दिन काउंट करें एनी बड़ी कोई मुझे बताएगा सितंबर के हम कितने दिन काउंट करें पंद्रह यान और हाउ हाउ मेनी मेनी नंबर नंबर ऑफ ऑफ शुड शुड बी बी काउंटेड काउंटेड इन इन सितंबर एनी बड़ी फिफ्टीन और फोर्टीन चलो एक आसान काम कर देता हूं मैं वन लिख देता हूं आगे आप बताइए वेरी वेरी गुड बेटा फिफ्टीन शुड बी काउंटेड बिकॉज द डे ही कम्स टू इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया बोथ आर काउंटेड एवरीबडी वट इज योर टोटल नंबर ऑफ डेज़, इज द टोटल वन सिक्सटी एट इज द टोटल वन सिक्सटी एट यस यानी इंडिया में वो कितने दिन रहा वन सिक्सटी एट डेज रहा बताओ क्या वो रेसिडेंट है नहीं स्ट्रेट अवे कौन बन जाएगा नॉन रेसिडेंट स्ट्रेट अवे कौन बन जाएगा नॉन रेसिडेंट आंसर देख लीजिए बी Being a citizen of India who has got out of the country for employment, he will be governed by 182 day test only, and therefore the second condition of 61 that is 60 days shall not be applicable. B stayed in India for 168 days. Count kaise Kesekya 168 days only in the relevant previous year. Hence, Mr. B is Non-resident इन in इंडिया Everybody, सबको समझ में आ रहा है आंसर कैसे आया लॉजिक कैसा आया क्वेश्चन कैसा आएगा आंसर कैसा लिखना है Everybody गेटिंग or नॉट चलो बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं सोल्व क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री मिस्टर अनिल इज एन इंडियन सिटीजन मिस्टर अनिल इज एन इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ऑन ट्वेंटी सेकंड 22nd ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम इस वर्ड को जरा ध्यान से देखिएगा, इसे अंडरलाइन इस कीजिएगा He is leaving India for the first time to work as an engineer in France. Again, again he is leaving India for the purpose of employment. पहली बार ही लीव कर रहा है चलो हम नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे कब जा रहा है ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेंबर को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अप्रैल मे जून जुलाई ऑगस्ट सितंबर के ट्वेंटी टू लूंगा किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए भाई साहब वन सेवेंटी फाइव डेज आ रहा है काउंट के अंदर में वन सेवेंटी फाइव डेज आ रहा है काउंट के अंदर में बताओ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट स ऑ नो ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आंसर आपको ऑटोमैटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने मेरे साथ उतनी मेहनत करिए भाई साहब पढ़ने के लिए येस ऑ नो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर अनिल इज एन इंडियन सिटीजन वॉज इन इंडिया फॉर वन सेवेंटी फाइव डेज ही डज नॉट सेफाय द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ वन एटी टू डेज ऑल्सो सिंस ही इज इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट द सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू हेम देर फॉर एस साडा अनिल इज Non Therefore, the analysis, non आप लोग के जवाब देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है बहुत हार्ड है ना, residential status? अब आते हैं के वाई के ऊपर नो योर एग्जाम इसे मैंने के वाई सी जनरली वर्ड यूज होता है केवा सी नो योर कस्टमर मैं आपको कहता हूं नो योर एग्जाम जिसका मतलब यह होता है दिस क्वेश्चन आज इन एग्जामिनेशन बराबर है और अब आप इसके साथ डील करेंगे कि ये कौन से एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे देखते हैं क्या एग्जामिनेशन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं क्या आइए सबसे पहले चलते हैं प्रॉब्लम नंबर के ऊपर आई होप आपने रजिस्टर को पेज नंबर दिया होगा अगर पेज नंबर दिया होगा तो यहां पे जो रजिस्टर के पेज नंबर पे इसे सॉल्व करने वाले हो, उसका पेज नंबर डाल देना एवरीबडी डन ब्रेट ली इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर विजिट फॉर हंड्रेड डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर दिस हैज बीन अ प्रैक्टिस फ्रॉम पास टेन फाइनेंशियल ईयर फाइंड आउट इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है आप अपने हिसाब से जवाब बताओ फिर एक साथ लिखेंगे आप अपने हिसाब से जवाब बताओ फिर एक साथ लिखेंगे नी क्या जवाब आ रहा है तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब यहां पे आ चुका है और जवाब आई थिंक बड़ा क्लियर है आर ओ आर कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं सर आर है और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर R -O -R है मुझे फाइनली बता दीजिए सर मैं क्या करूं आर ओ आर ढूंढू या आर ओ आर ढूंढू आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा सर आर आर ठीक है सर चलिए आइए आंसर लिखिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर आपको लिखना कैसे है प्रॉब्लम नंबर टू ऑब्लिक पेज नंबर जो भी आपके मॉड्यूल का पेज नंबर है आप वो यहां पर डाल सकते हैं मैं बार बार ये प्रैक्टिस नहीं बताऊंगा ठीक है प्लीज राइट इट डाउन Period of stay during the previous year is equal to hundred days. As per section six, subsection one, if any person stays in India for 182 days or more in previous year or 60 days in previous year and 365 days in four previous preceding year he would be regarded as resident In previous year he stays for hundred days, he stays for hundred days and in four previous preceding year his total period shall be four hundred days. Therefore, he would be resident. Further, he will satisfy to become resident in two out of ten previous preceding year but in seven previous preceding year he could only stay for 700 days therefore he would be regarded As RNOR, that is resident, not ordinarily resident, resident, not ordinarily resident. एवरीबॉडी, यू गॉट दिस आंसर अगर आपको दो मिनट में आंसर समझ में आया तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता बहुत बढ़िया डन मालिक आ जाओ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आओ प्रॉब्लम नंबर सिक्स पे आओ आलोक इज एन इंडियन सिटीजन नवंबर 2016 के आरटीपी में आए हुआ यह क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन आर कवर्ड सॉल्व करो इसे रीड द क्वेश्चन

एंड अ मेंू ऑफ सिंगापुर बॉउंड इंडियन शिप एंगेज इन दैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्राफिक डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई ऑन सिक्स जून टू थाउजेंड ट्वेंटी तो आलोक इंडियन सिटीजन है वो फॉरन शिप के अंदर में जा रहे हैं जो छह जून दो हजार बीस को जाने वाली है ठीक है डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आलोक अज्यूमिंग दैट ही स्टे इन इंडिया इन द लास्ट फोर प्रीवियस इयर

में काउंट नहीं करना है क्या वो इंडिया में काउंट करना है या इंडिया में काउंट नहीं करना है आप बताइए मुझे सर कुछ बच्चों ने तो जवाब भी दे दिया नॉन रेसिडेंट जिनने जवाब दे दिया मैं आपको बता दूं आपका जवाब बिल्कुल सही है बेटा जिनने आरओआर आर जवाब दिया है आप प्लीज एक बार कंसेप्ट पढ़िए आप क्या पढ़ रही हैं क्या कर रही हैं बिल्कुल सही साहब काउंट नहीं करना है एकदम बराबर डिसीजन दिया आप लोगों ने उस पीरियड को हमें काउंट नहीं करना है तो 365 या 366 डिपेंडिंग अपॉन ईयर होगा या नहीं इसमें से इतना पीरियड 6 जून से 9 दिसंबर तक का पीरियड हम हटा देंगे बैलेंस पीरियड अगर 182 एटी डेज से ऊपर है रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट एवरीबॉडी रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट सो आइए प्रॉब्लम नंबर सिक्स पेज नंबर प्रॉब्लम नंबर सिक्स पेज नंबर राइट इट डाउन इजी अ शिप क्रू मेंबर याद होगा तो हम लोगों ने रूल वन ट्वेंटी सिक्स पढ़ा था और जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाए मिस्टर आनंद आनंदी था आलोक था Mr. Alok is an Indian citizen and leaving India during the previous year, 2021, as a ship crew member. He would be resident if he stays in India for one eighty two days or more in previous year. Further as per Rule One Twenty Six, the period specified in Continuous Discharge Certificate shall be excluded. वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज इन इंडिया वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज इन इंडिया टोटल नंबर ऑफ डेज लीप ईयर है नहीं तो 365 माइनस पीरियड मेंशनड इन सी डी सी दैट इज सिक्सथ जून टू नाइन्थ डिसम्बर ट्वेंटी फाइव डेज ऑफ जून जुलाई ऑगस्ट सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर Balance period in India. Balance period in India. Since he stays for less than one eighty two days, he will be non resident. He will be non resident. सभी लोगों को समझ में आया ऐसा क्यों किया हम लोगों ने रूल 126 पढ़ा था हम लोगों ने शिप क्रू मेंबर के केस में उसके ऊपर भेज दिया क्वेश्चन था आईसी ए इंस्टीट्यूट द्वारा यस और नो आता कैसा वाटते मजा आ रहा है क्या साहब एक एक क्वेश्चन का जवाब अगर आते जा रहा है तो मजा आ रहा है कि आप सभी को मुझे जल्दी जल्दी बताओ सर लाइन से सॉल्व करने में ना वो मजा नहीं है इसके लिए हम लाइन से सॉल्व करते नहीं है स्टिल चलो एट्थ प्रॉब्लम सॉल्व करो एट्थ प्रॉब्लम सॉल्व करो कुछ भी सॉल्व करो वैसे आपको सबके जवाब आएंगे स्टिल एट्थ प्रॉब्लम गॉनिका प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग ठीक है रजिस्टर में हम लिखेंगे मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा आप रजिस्टर में लिखना प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग कैल्कुलेट दिन शी इज आर ओ आर एन ओ आर एनआर अरे ये तो कल जैसा ही प्रॉब्लम निकला बागड़ू हाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर इंडियन कंपनी अमाउंट रिसीव इन जर्मनी फिफ्टीन थाउजेंड हालो अरे हालो बताओ इंडियन इनकम या फॉरन इनकम पहले तो ये क्लासिफाई करो इंडियन इनकम या फॉरन इनकम इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम जल्दी जल्दी बोलो तुम्हारे जवाब बहुत लेट आ रहे साहब आज तुम्हारे जवाब बड़े लेट आ रहे हैं ऐसे करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा यस इट इज एन इंडियन इनकम इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल फिफ्टीन के फिफ्टीन के फिफ्टीन के आपने इसे प्रॉपर रजिस्टर में लिखना है पूरा ये वर्ड लिखना और यहां पर फिफ्टीन थाउजेंड लिखना एग्जाम में के अलाउड नहीं है एल अलाउड है दैट इज लैक पर के अलाउड नहीं है इंडियन इनकम इंडियन इनकम इज टैक्सीबल टू ऑल सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव इन जर्मनी लिखते जाइए रजिस्टर के अंदर में आरओ आर के कॉलम में फिफ्टीन थाउजेंड आरएनओ आर में फिफ्टीन थाउजेंड एनआर में फिफ्टीन थाउजेंड वेरी गुड बेटा उम्मीद करता हूं अब तक लिख के हो गया होगा नेक्स्ट पॉइंट डिडेंट फ्रॉम अ जैपनीज कंपनी अमाउंट रिसीवड इन जापान फाइव थाउजेंड जैपानीज कंपनी से डिविडेंट आया है डिविडेंट मिला भी जापान में है बताइए साहब इंडियन इनकम या फॉरन इनकम इंडियन इनकम या फॉरन इनकम लिखते जाइए रजिस्टर में लिखते जाइए ये पूरा लिखना है सिर्फ डिविडेंड मत लिखना है डिविडेंट फ्राम अपानीज कंपनी अमाउंट रिसिव इन जापान फाइव थाउजेंड पूरा लिखना है यस yes, बिल्कुल सही जवाब आया आप लोगों का फॉरेन इनकम है एंड फॉरेन इनकम अब किसके हाथ में टैक्सेबल होगी आर ओ आर को टैक्सेबल होगी आर ओ आर के कॉलम में लिख दू फाइव थाउजेंड यस आर एन ओ आर के कॉलम में लिखू नो एन आर के कॉलम में लिखू नो सर क्यों आर आर को सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली इनकम टैक्सेबल है यस और नो डन प्रभु चलिए थर्ड रेंट विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंडन बताइए इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम एवरीबडी इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब फॉरेन इनकम कहां टैक्सेबल होगा इंडिया में आर ओ आर को टैक्सेबल होगा आर ओ आर एनआर को टैक्सेबल होने वाला नहीं है क्यों आरएनओआर को क्यों टैक्सेबल नहीं है क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है यस yes? चलिए विनायक बेटा साढ़े तीन बजे हमारा क्वेरी का सेशन होता है प्लीज साढ़े तीन बजे आप मुझसे सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा अभी क्लास चालू है विनायक जी प्लीज इस बात को समझें डन बेटा डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी सिक्स रुपीज, तो बोल लो क्या करेंगे

बापो कंसिडर नहीं करेंगे हो गया ना फिर पुट द वैल्यू गेट द आंसर इधर आएंगा तुम्हारा वन जीरो बापो माई बाप इधर आएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड बापो माई बाप माई बाप इधर आएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड बोलो ना हाँ अरे हाँ बोलते क्यों नहीं हाँ हुआ ना फिर सॉल्व आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्या चाहिए जीवन में तुमको और कितने अच्छे दिन लेके आऊं? बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का जवाब सही था इट्स एन इंडियन इनकम बट एग्जाम वेरी गुड बेटा सभी लोगों का आंसर आ गया होगा क्या लिखो पहले कंप्लीट कर लो पूरा रजिस्टर में प्रॉपर लिखो टोटल एवरीबॉडी डन सर चलो डन प्रभु बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाँ अब बहुत मजा आ रहा है और इजी भी लग रहा है अबे पूरा डायरेक्ट टैक्स इजी है तुम सही व्यक्ति से पढ़ो तो सही पूरा डायरेक्ट टैक्स इजी है मैं आपको क्या बोला ऐसा हो सकता है अच्छा इसके आगे भी ऐसा होगा कई बार जब आप कंसेप्ट पढ़ते रहोगे आपको लगेगा माँ कसम क्या है जीवन में बट भाई जब तू प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना तेरे को लगेगा भाई फुल रिस्पेक्ट मास्टर ने बहुत मेहनत कर ली समझ में आई बात ऐसा होता है क्योंकि जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता रहता हूं मैं बहुत ज्यादा डीप में होता हूँ एक एक पॉइंट आपको बताता हूं क्वेश्चन है, है, है।, यू, यू, यू है आप देख सकते हो ये तो करंट मॉड्यूल में भी अवेलेबल है तुम अभी वन वाला मॉड्यूल खोलो उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है खोलो ओपन करके देखो तुम्हारे सामने की बात है मैंने नाम चेंज करवा इधर बाकी पूरा क्वेश्चन सेम आप जाकर के देख लेना सिर्फ यहां पे मैंने रेंट में कंप्यूटेड लिखा है मॉड्यूल के अंदर में कंप्यूटेड नहीं लिखा हुआ है बराबर है तो उतना स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ है बाकी पूरा सेम है चलो क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ ये SM का क्वेश्चन है एस मतलब क्या स्टडी मटेरियल ठीक है ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सीए फाइनल में आपको पूछा हुआ है और ये अभी इंटर के मॉड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया है चलो तुम चुटकी में सॉल्व करोगे भले ही सीए फाइनल का है जवाब आ जाएगा आपको सर आप मजबूर कर रहे हो अपने आप से क्लास लेने को चलो ये तो फिर मेरा टैलेंट ही हुआ ना ये तो फिर मेरा टैलेंट हो गया सर ट्रायल बॉल तो नहीं है ना मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने इजी क्वेश्चन डाल रखे हैं तुम जाओ तुम्हारे पास मॉड्यूल अवेलेबल है ना आईसीए डॉट ओ आर जी वहां पर स्टूडेंट कॉलम में जाओ बीओ नॉलेज पोर्टल में वहां पे मॉड्यूल अवेलेबल है ओपन करो मॉड्यूल खोल करके देख लो ये क्वेश्चन है क्या अगर मिल गए तो बस काम खत्म फिर फिर तुम डिसाइड कर लेना डन प्रभु चलिए अब बताओ क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन सभी लोग सर एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अनादर कंट्री होना चाहिए कभी तुम्हारा आंसर तुम्हारा क्वेश्चन ही होना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम अनादर कंट्री इन अनादर कंट्री नहीं फ्रॉम अन अनदर कंट्री होना चाहिए ये इट इज टैक्सेबल डन प्रभु आ जाओ मिस विविथा अच्छा ये विविथा नाम मैं आपको बता दूं ये पता नहीं किसका भूलावा प्यार है जो मॉड्यूल के अंदर में विविता नाम से तुमको मॉड्यूल के अंदर में गंज भर के क्वेश्चन मिलेंगे एक दर्जन क्वेश्चन विविता नाम से है पता नहीं ये किसका भूलावा प्यार है जो बार बार क्वेश्चन में विविता विविधता याद कर रहा है शायद जिस व्यक्ति ने ये बनाया उसको ऐसा लगता है कि उसका प्यार ये बुक पढ़ रहा होगा या शायद एटलीस्ट उसके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको याद कर ले सर प्लीज ये नाम थोड़ा सा चेंज कीजिए विविता पेड असम ऑफ फाइव थाउजेंड यूएसडी यूएसडी यूएस डॉलर So, विविता पेड फाइव थाउजेंड डॉलर टू कुल शेखरा अनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो कोलंबो किधर है कोलंबो अबे श्रीलंका में है मेरे भाई स्पेशलाइज इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना विविता ने कुल शेखर को पेमेंट किया जो कोलंबो के अंदर में बैठा है काय के लिए कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी के लिए पेमेंट किया अच्छा कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया सर ये क्या है है है, फालतू की बात बात तुम्हारे को बहकाने के लिए बुलाई गई बेटा इंस्टीट्यूट बुलाती है मगर जाने का नहीं ये सब बाजू को बाजू रखो इस ने को कंसल्टेंसी के लिए पेमेंट किया, किया? कंसल्टेंसी के लिए पेमेंट किया अब मुझे बताओ पैसा बाहर मिला कंसल्टेंसी बाहर से हो रही है पर प्रोजेक्ट इंडिया में है इज दिस अमाउंट टैक्सेबल इन इंडिया वंश सेक्शन पंद्रह प्रिवेल कर रहा है नालायक लड़के सैलरी थोड़ी ने नालायक लड़के सैलरी थोड़ी ने कैसी बातें कर रहा है हाँ ये अर्शिता ने सही जवाब दे दिया देखो बच्ची ने सही जवाब दिया अभी एफ टी एस बोला जाएगा साहिल ने भी सही जवाब दिया क्या बात है क्या बात है सब लोगों के अब बराबर जवाब आए यस 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 अच्छा मुझे बताओ ये कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी ये कहां कवर होता है मतलब ये इंटरेस्ट रॉयल्टी है एफटीएस तीनों में से क्या है जल्दी बताओ हाँ एक जवाब सही आया साहिल ने जवाब दिया सर ये एफटीएस है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आ एकदम संजय दत्त वाला एग्जाम्पल ये हुई ना बात संजय दत्त वाला एग्जाम्पल कैसा याद आया बेटा आज ना मेरा दिल ऐसा, तुम तुम ऐसा जवाब दे रहे हो ना दन ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है मैं आपको बता ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है सीए फाइनल का मॉड्यूल ओपन करके देखो उसमें भी ये क्वेश्चन है सीए फाइनल का रेसिडेंशियल स्टेटस ओपन करके देखो उसमें भी ये क्वेश्चन है इंटर का मॉड्यूल ओपन करके देखो उसमें भी ये क्वेश्चन है और तुमने इसका जवाब दे दिया यू कैसे बेटा यू क्या लिखना होगा सेक्शन नंबर नाइन लिखना होगा और क्या लिखना होगा सेक्शन नंबर नाइन लिख करके बताना होगा इफ एनी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया अराइव टू अ नॉन रेसिडेंट दैट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया प्लेन सिंपल शब्दों में प्लेन अंग्रेजी को यूज करते हुए इस आंसर को लिखना है बस खत्म हो गया काम सर तो फिर नवंबर में फाइनल दे कि इंटर दे देखो पढ़ा मैं तुम्हें फाइनल के हिसाब से रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम सब नालायक मेरे पास फाइनल में वापस आओगे मेरी जान खाओगे ठीक है पढ़ा मैं तुम्हें फाइनल के हिसाब से हूं फॉर द टाइमिंग इंटर दे देना देन चलो आ जाओ सर अब इस क्वेश्चन में समझना हुआ क्या विविता ने कुलशेखरा को चलो मस्ती वन विविता ने कुलशेखरा को क्या किया मालिक पेमेंट दिया सर्विसेज कहां रेंडर होने वाली है इंडिया लाइन दिखाती है द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया तो लाइन हमें सिखाती है कि सर्विसेज इंडिया में रेंडर हो रही है पेमेंट कोलंबो में मिला आदमी कोलंबो में बैठा हुआ है इज दिस टैक्सेबल इन इंडिया यस सेक्शन नाइन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसी नॉन रेसिडेंट को इंडिया से एफ टी सराइज हुआ इट इज टैक्सेबल इन इंडिया आंसर लिखो सर प्रॉब्लम नंबर नाइन अ नॉन रेसिडेंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम From Fees of Professional or Technical Services accrue or arise from India, accrue or arise from India. As per section nine, fees for professional or technical services for services rendered in India. Would deemed to accrue or arise in India and Management Consultancy Fees is. regarded as fees for technical services since Kul render the service for project in India, the payment received by him, even in Colombo. Is chargeable to tax in his hands in India. दिस डन चलो मालिक प्रोजेक्ट कहां सिचुएटेड था बेटा इंडिया में पैसा भले ही महा मिला सेक्शन नाइन हम लोगों ने पढ़ा था उसी पे बेस्ड कुछ था आप लोगों ने जवाब दे दिया वेरी वेरी गुड दिस डन ज डन आ जाओ प्रॉब्लम नंबर फोर एवरीबडी प्रॉब्लम नंबर फोर सर इंडिया का प्रोजेक्ट ना होता तब भी टैक्सेबल होता क्या पहले देखना पड़ता बेटा प्रोजेक्ट का है प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया का होता प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया का होता तो टैक्सेबल नहीं होता डन बेटा मिस्टर फेडरर नॉन रेसिडेंट रेसाइडिंग इन स्वीडन रिसीव्ड रेंट फ्रॉम मिस्टर नाडल फ्रांस एक मिनट फेडरल कहां रह रहा है स्वीडन में नेडल कहां रह रहा है फ्रांस में इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी टेकन इन लीज इन मुंबई एज received आउटसाइड इंडिया बाय द नॉन रेसिडेंट फेडरल क्लेम्स दैट इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया बताइए आपका क्या ओपिनियन है एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट से रेंट रिसीव किया आउटसाइड इंडिया किस चीज का रेंट अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई बताओ ये कौन सी इनकम हराइज हुई पहली बात तो ये बताओ ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है तुम यार फिर टैक्सेबल टैक्सेबल करने लग गए अरे मैं एवरेज बच्चा हूं मुझे पहले ये बताओ कि ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है मैं एवरेज बच्चा हूं टैक्सेबल तो बात की बात है पहले ये बताओ इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है हाँ अब तुमने सही बात करी बेटा ये ये कौन सी इनकम है इंडियन इनकम है सर क्यों इंडियन इनकम है सेक्शन नाइन जाके पढ़ो सेक्शन नाइन के अंदर में क्या लिखा है इफ प्रॉपर्टी और असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया इफ प्रॉपर्टी और असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया सानिया मिर्जा का केस प्रॉपर्टी मुंबई के अंदर में और किराए पे दी याद आ रहा है तुम्हें सो so, रेंट भले ही नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को दिया आउटसाइड इंडिया दिया बट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया अमाउंट विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया अमाउंट विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया सेक्शन नाइन का रेफरेंस देकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम नंबर फोर एस पर सेक्शन नाइन इफ एनी इनकम अक्रू और अराइस From a property situated in India, then income would deem to accrue or arise in India and shall be. Chargeable to tax in India and shall be chargeable to tax in India. In this case. A non resident earns income from another non resident for property situated in India, hence income is liable to tax in india therefore claim of mr. federer is not correct. डन प्रभु चलो डन 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 बहुत हार्ड है ना बेटा था? बहुत हार्ड बहुत हार्ड डिंग 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 ये हो चुका है ये हो चुका है क्यों ना सेवन सॉल्व कर दिया जाए चलो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर सेवन एल एंड जी आर ब्रदर दे अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एल इज सेटल्ड इन बैंकॉक इन 2006 थाउजेंड वाइल जी इज इन पुणे एल और जी के लिए हमें सॉल्व करना है एल इज देर इन बैंकॉक From 2006, whereas G is in Pune. Can I say L is non resident, whereas G is resident? R O R, isn't it? Everybody, yes or no? L and G, L is a non resident, while G is in R O R. So for L G assessment year twenty-one twenty two computation of total income computation of total income Particulars L who is non resident G who is ROR beta. Put the value, get the answer. Point number one Income from profession in Bangkok set up and received there. Income from profession in Bangkok. Set up and received there. Dash dash. Sir Q. Foreign income. Foreign income. Profit from a business in Pune but managed from Bangkok. प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन पुणे बट मैनेज फ्रॉम बैंकॉक फोर्टी थाउजेंड आर ओ आर के केस में लिखा नहीं है क्योंकि उनको इनकम या राइज नहीं है बिजनेस पुणे में है तो ये इंडियन इनकम बन गया इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल Rent which is computed from a property in Bangkok later on remitted to India. Rent later on remitted to India. लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया बताओ क्या करेंगे क्या करेंगे जल्दी से बताओ एनी बड़ी रेमिटेंस के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है जाकर के देखो क्या कोई टैक्सेबिलिटी आने वाली है आंसर इज नो सर क्यों नहीं सर रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होगा यहां पे ये यह कहीं नहीं बताया है कि इट इज यू नो नॉट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सोर्स ऐसा कुछ नहीं बताया तो हम ये मान लेंगे दूसरी बात ये बैंकॉक में अराइज हुई हुई इनकम है लेटर ऑन ये बैंकॉक में ही टैक्सेबल होना चाहिए आप उसको रेमिट करके इंडिया में ला लोगे इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में क्या होना चालू हो जाएगी टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगी डिविडेंड फ्रॉम एन एबीसी लिमिटेड सीम्स टू बी एन इंडियन कंपनी फाइव थाउजेंड नाइन थाउजेंड फाइव थाउजेंड नाइन थाउजेंड डिविडेंट फ्रॉम अ कंपनी इन बैंकॉक रिसीवड देर डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इन बैंकॉक रिसीव्ड देर एनआर के केस में कुछ नहीं क्योंकि यह फॉरन इनकम है इनके केस में एट थाउजेंड रुपीज आ जाएंगे डू यू अग्री डू यू अग्री सर दूसरे केस में समझ नहीं आया कि आर ओ आर को क्यों होगा बेटा पहले जाके देखो आरओ आर में इनकम तो भी लिखी है क्या यस yes. फॉरेन कंपनी से फॉरेन में डिविडेंड मिला ये फॉरेन इनकम बन गई इसलिए एनआर को टैक्सेबल नहीं आर आर को टैक्सेबल है कहीं से भी अराइज हो जाए इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन गुजरात दोनों भी केस में डैश इट्स एन इंडियन इनकम बट एग्जम्प्ट इट्स एन इंडियन इनकम बट एग्जाम पास्ट फॉरेन अंटैक्सड इनकम ब्रॉड टू इंडिया पास्ट फॉरेन अंटैक्सड इनकम ब्रॉड टू इंडिया इस पॉइंट को समझते हैं पास्ट फॉरेन अनटैक्सड इनकम ब्रॉड टू इंडिया क्या मतलब होता है ये ये पास्ट में फॉरेन में कमाई हुई कुछ इनकम है जिसके ऊपर अभी तक टैक्स नहीं लगाए इट इज अनटैक्स्ड इनकम और ये इनकम को आप इंडिया लेकर के आ जाते हो पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम पास्ट की कुछ फॉरेन इनकम है जो अब तक अनटैक्स्ड रही है इसे आप कहां लेके आ जा रहे हो इंडिया में लेकर आ जा रहे हो इफ पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया नथिंग वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया जस्ट बिकॉज फॉरेन ने इसे अभी तक टैक्स नहीं किया या फॉरेन कंट्री ने इसे अभी तक टैक्स नहीं किया ड नॉट गिवर राइट टू इंडिया की आप इसे टैक्स कर लो डॉट गिवर राइट टू इंडिया की आप इसे टैक्स कर लो समझ में आ रही बात यह अनकम है आपको हक मिल गया टैक्स कर दो इट्स अरेन इनकम अंडरस्टैंड इट्स अ फॉरन इनकम विच इज ब्रॉड टू इंडिया इट इज फॉरन इनकम विच इज ब्रॉड टू इंडिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे क्या कर दोगे टैक्स कर दोगे नेक्स्ट Fees for technical services rendered in India. FTS for services rendered in India. 25,000. Dividend from an Indian company. Nahin, upar hai. Income from business in Pune. फिफ्टी परसेंट रिसिव इन इंडिया बिजनेस पुणे में पैसा किधर भी मिला डजेंट मैटर आई थिंक हो गया बस टोटल कर लो Eighty two, thirty two. Check your answers. Check your answers. सर चलिए इसी के नीचे नोट लिखो नोट लिखो एग्रीकल्चर इनकम इज एक्साम अंडर सेक्शन टेन वन नोट लिखो एग्रीकल्चर इनकम इज एक्साम अंडर सेक्शन टेन वन point number 2 past foreign untaxed income brought to india past foreign untaxed income brought to india will not be taxable in india past foreign untaxed income brought to india will not be taxable in india डन सर गेम ओवर बोथ हार्ड सो नाइन डन एट डन सेवन डन सिक्स डन फाइव बाकी है फाइव बाकी है फाइव बाकी है फाइव करो ना क्वेश्चन नंबर फाइव श्रवण अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी ड्यू टू द ट्रांसफर टू ऑस्ट्रेलिया फॉर एन असाइनमेंट ही डिड नॉट विजिट इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वो पिछले साल एक भी दिन के लिए इंडिया में नहीं था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम उसको कुछ सैलरी इनकम आई है फॉरन अलाउंसेस आए हैं इंटरेस्ट ऑन एफ डी फ्रॉम बैंक इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम मलेशिया से हाउस प्रॉपर्टी इनकम मलेशिया से ठीक है सर मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा पहले तो श्रवण का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा पहले तो श्रवण का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ जवाब का वेट कर रहा हूं मैं जल्दी से बताओ श्रवण का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है कबीर टी कहते हैं रेसिडेंट अंशिका कहती है नॉन रेसिडेंट किशन कुमार कहते हैं आर ओ आर एनिमिडियल्स नॉन रेसिडेंट नैंसी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट आर ओ आर बचता कौन है सब तो बोल दिया तुमने जिनने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा उस क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़ो एनआर के अलावा जिसका भी जवाब आ रहा है आर ओ आर आ रहा है आर एनओ आर आ रहा है जिसका भी जवाब एनआर छोड़ के कुछ भी और आ रहा है प्लीज क्वेश्चन को एक और बार दोबारा पढ़े स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा दीपांशु से वंश से किशन से कबीर से क्वेश्चन को फिर से पढ़ें और समझे कि ये क्यों एनआर कह रहे हैं बाकी सब आपको आपकी कुछ गलती समझ आएगी क्यू कह रहे हैं ये कौन है ये लोग कहां से आते हैं ऐसे लोग जो इसे नॉन रेसिडेंट कह रहे हैं समझ में आया क्या जो लोग रेसिडेंट कह रहे थे आर ओ आर कह रहे थे उनको समझ में आया कि ये नॉन रेसिडेंट क्यों है मेरे भाई सबसे पहले तुझे उसे रेसिडेंट बनाना पड़ेगा अंडरस्टैंड या नॉन रेसिडेंट बनाना पड़ेगा क्लियर कट क्वेश्चन में तेको लिखा हुआ दिख रहा है ही डिड नॉट विजिट इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर क्या मीनिंग होता है इसका क्या मीनिंग होता है इसका दूसरी बात वो लेफ्ट भी कप कर रहा है फरवरी 2020 आपका प्रीवियस ईयर अप्रैल 2020 से चालू हो रहा है ना लायक हो इस बात को तो सोचो वो प्रीवियस ईयर के पहले ही जा चुका है वो आपका अप्रैल में प्रीवियस ईयर चालू हो रहा है 2021 नहीं लिखा है वो 2020 लिखा है आई होप यू आर गेटिंग दिस जितने भी लोग जल्दी में जवाब देते हैं सबसे पहले अपने आप की एक बात ठान लें कि कंसेप्ट आपको पता है आप सिर्फ बेवकूफिया कर रहे हैं बेवकूफिया समझ में आ रही बात वो फरवरी के अंदर अरे प्रीवियस ईयर तुम्हारा एक चार दो हजार बीस से चालू हो रहा है तुम सोच रहे हो वो फरवरी में चलेगा अरे फरवरी मत देखो उसके आगे का ईयर भी देखो 2020 लिखा है तुम्हारे लिए 2021 सोचना चाहिए अगर तुम वैसा सोच रहे हो तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस सो ही इज वॉट नॉन रेसिडेंट पहले तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ ठीक है अब वो बन गया नॉन रेसिडेंट वो इंडियन सिटीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का एंप्लॉई है उसको सैलरी मिल रही है आउटसाइड इंडिया ही इज नॉन रेसिडेंट राइट नाउ बट इज एन इंडियन सिटीजन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी दे रहा in इस है आउटसाइड इंडिया इज दिस सैलरी टैक्सेबल इन इंडिया इस जवाब इसका जवाब चाहिए मुझे बताइए ही इज एन इंडियन सिटीजन सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए सैलरी दे रहा है आउटसाइड इंडिया सर्विस उसकी रेंडर हो रही है आउटसाइड इंडिया इज दैट अमाउंट टैक्सेबल इन इंडिया If yes, कौन सा सेक्शन लग रहा है सब कह रहे हैं ये टैक्सेबल है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन से सेक्शन से टैक्सेबल हो रहा है साहब ये सेक्शन चाहिए मुझे सेक्शन चाहिए भाई तेरा सेक्शन डिमांड करेगा आज हाँ ये हुई ना बात सेक्शन नंबर नाइन परफेक्ट क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर फाइव सिंस मिस्टर श्रवण डू नॉट स्टे इन इंडिया फॉर एनी टाइम during the previous year he will be regarded as non resident in india further he is an Indian citizen working outside India and salary is received from Indian government. Hence this income would deem to accrue or arise in India. Section nine. Therefore, total income. would be as under particulars rupees salary six lakh ten thousand एक मिनट यहां आपको एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं लेके जा रहा हूं इसमें से डिडक्शन माइनस कीजिए फिफ्टी थाउजेंड का सर ये क्या किया आपने ये आपने क्या किया बेटा जब सैलरी टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सैलरी में से डिडक्शन मिलता है क्योंकि बाजू में कंप्यूटेड वर्ड लिखा हुआ नहीं है सैलरी और एचपी के बाजू अगर कंप्यूटेड वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ता है सैलरी में से पचास हजार रुपए तक का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो माइनस किया जाता है ये वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है डन नेक्स्ट फॉरेन अलावेंसेस फॉरन अलाउंसेस नील सर क्यों यह एग्जाम यह थोड़ा सा मेच्योर्ड क्वेश्चन है क्योंकि यह टोटल इनकम पे बेस्ड है यह आपको एग्जामेशन नाम का एक टॉपिक आएगा आगे वहां देखेगा कि फॉरन अलाउंसेस जो मिलते सैलरी इज टैक्सेबल बट फॉरन अलाउंसेज आर एग्जाम इस बात को हम नीचे नोट में भी लिखेंगे थर्ड इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक इन इंडिया इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम इंडिया वन लैक टेन थाउजेंड फोर्थ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन मलेशिया Agriculture in Malaysia. Nil. Foreign income. Indian income. Foreign income in the hands of non resident is not taxable. Income from house property in Malaysia. एचपी इनकम फ्रॉम मलेशिया इट्स अ फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल सर क्यों नॉन रेसिडेंट है एससी नॉन रेसिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है सिक्स लैक्स सेवेंटी थाउजेंड सिक्स लैक्स सेवेंटी थाउजेंड

Would be exempt. Would be exempt. Note number two. Note number two. Income from Malaysia is a foreign income. Income from Malaysia is a foreign income. And such foreign income is not taxable. and such foreign income is not taxable in the hands of non-resident. such foreign income is not taxable in the hands of non-resident. everybody, say yes or no, is सवाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल है प्लीज पूछ लें यहीं ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल है तो यहीं पे पूछ लें अदरवाइज वी वुड मूव टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम लिखा है तो डिडक्शन क्यों बेटा हेडवाइज डिडक्शन है वो टोटल इनकम से डिडक्शन नहीं है तो डिडक्शन आपको देना ही पड़ेगा जब आप जी बना रहे हो चलो प्रभु इज दैट डन आ जाओ पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन आर एंड एस आर ब्रदर्स यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दो बार पूछा गया है, इंटर में सेम क्वेश्चन दो बार पूछा है इंटर में चलो जल्दी से सॉल्व करो

For R and S, assessment year 21-22, computation of total income R who will be non-resident and S who will be ROR. Particulars: Interest on Canadian Development Bond. फिफ्टी परसेंट अमाउंट फिफ्टी परसेंट अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया अच्छा जी कैनेडियन डेवलपमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट 50 परसेंट रिसिव्ड इन इंडिया एनआर के केस में तो जितना पैसा इंडिया में मिला उतना टैक्सेबल सेवेंटीन के थाउजेंड फाइव हंड्रेड आरओ आर केस में पूरा फोर्टी थाउजेंड टैक्सेबल डू यू अग्री जल्दी जल्दी बताइएगा डू यू अग्री सेकेंड डिडेंट फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी रिसीवड इन लंडन डिविडेंट फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन नॉन रेसिडेंट केस में डैश रेसिडेंट केस में ट्वेंटी थाउजेंड कोई हर्ज कोई हर्ज थर्ड प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर बस खत्म हो गई बात मुझे यही रोक दो मुझे यही उतार दो then fourth point short term capital gain on shares of share of an indian company सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी टैक्सेबल इन इंडिया इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई Income from business in Chennai, eighty thousand, seventy thousand. Fees for FTS rendered in India but received in Canada. FTS for services rendered in India. डू यू ईजी अब तुम्हें बेटा ये इजी लग रहे हैं ये थे नहीं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपोजिट सेवन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड अच्छा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन दिल्ली एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम गोवा भाई साहब गोवा में एग्रीकल्चर स्ट्रेंज है बट ठीक है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम गोवा डैश डैश रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन भोपाल रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन भोपाल आफ्टर डिडक्शन ध्यान से सुनना जैसे कि मैंने कहा है सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के बाजू में अगर लिखावा ना हो तो आपको डिडक्शन क्या करने हैं माइनस करने हैं कितना परसेंट डिडक्शन होता है सैलरी में फिफ्टी थाउजेंड स्ट्रेट अवे सर हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी में स्ट्रेट अवे थर्टी परसेंट वन लाख का थर्टी परसेंट माइनस कर दो सेवेंटी थाउजेंड वुड बी टैक्सेबल सिक्सटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट माइनस कर दो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है ओ भाई पेड है पेड है ये आपकी इनकम नहीं है पेड है बुलाती है मगर जाने का नहीं टोटल बताओ कितना हुआ है दोनों का एजेट फोर थर्टी फोर फाइव हंड्रेड एजेट फोर लैख फोर्टीन थाउजेंड चेक करो भाई साहब भाई साहब चेक करो इज इट फोर थर्टी फोर फाइव हंड्रेड फोर लैख फोर्टीन थाउजेंड लेस डिडक्शन सेक्शन एट्टी सी एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पेड करते हैं आपने अपने डैड को भी देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो पेड करते हैं इसका डिडक्शन मिलता है टोटल इनकम से सेक्शन का नाम होता है थर्टी थाउजेंड यहां माइनस हो जाएंगे साथ ही साथ में एक और सेक्शन है सेक्शन एट्टी टी टी मुझे आपसे बस यहां तक की उम्मीद थी ये एडिशनल पॉइंट है एक और चैप्टर है डिडक्शन का पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा एटी टीटी क्या है एटी टीटी बेनिफिट देता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट का सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है इसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन एटी टी को यहां पे हमारे पास अगर आप देखोगे तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन मिलता है लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना है टेन थाउजेंड इसीलिए पहले वाले केस में सेवन थाउजेंड का डिडक्शन दूसरे वाले केस में टेन थाउजेंड का डिडक्शन इस पर हम नोट लिखेंगे फाइनल आंसर निकालो थ्री लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड फोर ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड आमिष बेटा एक लाख पचास हजार पूरा थोड़ी मिलेगा एक्चुअल और वन लैख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर होता है बेटा वो डन बेटा वन एंड अमीश आई गेस आप लोग का रिप्लाई आ गया चलो बेटा नोट लिखो फटाफट फटाफट नोट लिखो पॉइंट नंबर वन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन मैक्सिम अपू रुपीज टेन थाउजेंड मैक्सिमम अप टू रूपीज टेन थाउजेंड पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी Is considered rent from a property is considered after standard deduction of thirty percent. After standard deduction of thirty percent, is that done? आता कैसे वाटता है साहब ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप देख सकते हैं अब तुम्हें ये बड़े इजी लग रहे हैं क्यों भला ऐसा क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी के अंदर में अब क्यों इतने इजी लग रहे हैं ये ऐसा क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी के अंदर में बदलाव बदलाव यह था कि जब हम पढ़ रहे थे हमने हर एक चीज का एग्जाम्पल लिया बहुत डीप जाके पढ़ा और हमने इससे ऊपर के लेवल की बात कर ली तो यह चीज आपको चिल्लर लगने लग गई यह चीज आपको चिल्लर लगने लग गई आप खुद अपने अंदर का इंप्रूवमेंट देखिए जो बच्चा मेरे साथ कंटिन्यूसली फिफ्टींथ लेक्चर से कनेक्टेड है ये पूरे लेक्चर्स उसने देखे हैं, डेमो के लेक्चर्स देखे हैं, उसको समझ में आया होगा कि किस लेंथ और ब्रेथ पे हम लोग काम कर रहे हैं कितने डीप जाके हर एक चीज को कर रहे हैं सारे क्वेश्चन मैं छोड़िए आज, आज आप सिंपली जाकर के मॉड्यूल ओपन कर लीजिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दीज आर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बाकी है इस क्वेश्चन को मैं दूंगा आपको होमवर्क प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉलमी पॉलमी प्रॉब्लम नंबर थ्री ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क डन प्रभु आप देख सकते हो बाकी पूरे के पूरे प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या कर लिया डन कर लिए यहां हमारा सेकेंड चैप्टर भी खत्म हुआ रेसिडेंशियल स्टेटस बराबर है हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा कौन सा बेटा बेसिक यहां पे सेक्शन वन टू थ्री फोर कंप्लीट किया हम लोगों ने बराबर है दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा रेसिडेंशियल स्टेटस फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहां पे कंप्लीट किया हम लोगों ने अलोंग विद दैट पूरे के पूरे प्रॉब्लम हमने किए ये दोनों चैप्टर के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है वहां से आप लोग देख सकते हैं ये दो चैप्टर के नोट्स इसके आगे के पूरे लेक्चर्स मैं एनक्रिप्टेड फॉर्म में दूंगा पेनड्राइव या गूगल ड्राइव फॉर्म के अंदर में दूंगा और जो बच्चे लाइव स्ट्रीम में आना चाहते हैं हम उनके लिए आज वेबसाइट के ऊपर क्या ओपन कर रहे हैं एक लिस्ट और ओपन कर रहे हैं पेनड्राइव गूगल ड्राइव और तीसरा लाइव स्ट्रीम पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए फिर कमेंट कीजिएगा लाइव स्ट्रीम जो बच्चा मेरे साथ लाइव में कनेक्ट रहना चाहता है लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट रहना चाहता है वो चाहता है हम इसी तरह से इंट्रेक्शन करते करते क्लास लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लाइव स्ट्रीम के अंदर में आ जाइएगा ऐसा एक ऑप्शन हमने ओपन कर दिया है लेकिन बच्चा अगर लाइव स्ट्रीम के अंदर में आता है तो उसको पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव नहीं मिलेगा उसे बैकअप नहीं मिलेगा उसे वन एक्स मिलेगा डन यही कोई बच्चा पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव के ऊपर जाता है तो बॉस उसे 1.5 व्यूज मिलेंगे लेकिन फिर ये जो लाइव इंटरक्शन का मजा है ये उसको ऐसा लग सकता है कि भैया मैं इफ ही इज कंफर्टेबल ही कैन इफ ही इज नॉट देन लाइव स्ट्रीम के अंदर में आ जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है बराबर है लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आज हम ओपन कर रहे हैं पर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं पी भी ले लू और मैं लाइव स्ट्रीम में भी आ जाऊं हाँ अगर किसी को ऐसा करना है कि मैं पेनड्राइव भी ले लूं और लाइव स्ट्रीम में भी आ जाऊं तो वो ऐसा कर सकता है बाय मेकिंग मल्टीपल पेमेंट मतलब पेनड्राइव का भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा फिर और लाइव स्ट्रीम का भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा बट आई थिंक दैट वोंट बी एनी फिजिबल आई थिंक दैट वोंट बी फिजिबल तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कि आपको किस मोड में जाना है पेनड्राइव गूगल ड्राइव मोड के अंदर में जाना है या लाइव स्ट्रीम के अंदर में आना है राइट right? रही बात ये बुक की तो ये बुक मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दी है राइट right? ये बुक अवेलेबल हो जाएगी कहां पे सेल के लिए आज वेबसाइट के ऊपर भी अब जरा पॉइंट को समझिएगा एज ऑफ नाउ मैं दो तरह के स्टूडेंट एक्चुअली तीन तरह के स्टूडेंट के साथ डील कर रहा हूं एक वो है जो मेरे नवंबर ट्वेंटी वाले बच्चे हैं या जिनने मेरे से नहीं पढ़ा अब पढ़ना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ बुक लें हमें लेक्चर नहीं लेने ऐसे केसेस में सिर्फ बुक का प्राइस हमने वेबसाइट के ऊपर ओपन कर दिया है आप बुक मंगवा सकते हैं कुछ और भी बुक्स आएंगी अकॉर्डिंगली वो वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो जाएंगी तब आप वो भी बुक मंगवा पाएंगे दूसरे वो बच्चे हैं जिनका अभी फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आया पर वो बस टीचर को लेकर के शोर होना चाहते थे वो ये लाइव स्ट्रीम देख रहे थे इनके लिए पहले दो चैप्टर जो मैंने यूट्यूब के ऊपर सिखाए हैं ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए हैं बराबर ये बच्चे अब स्ट्रेट अवे डिसीजन लेंगे कि इन्हें क्लास करना है कैसे करना है क्या करना है तो ये बच्चे डायरेक्टली पेन ड्राइव गूगल ड्राइव या लाइव स्ट्रीम के ऊपर ऑप्शन में जाएंगे अब जो भी बच्चा ये पेन ड्राइव गूगल ड्राइव या लाइव स्ट्रीम के ऑप्शन के ऊपर जा रहा है राइट वो डायरेक्टली उसको बुक्स साथ में ही आने वाले हैं तो वो फिर सेपरेटली बुक्स ना ले वो सेपरेटली बुक्स ना ले। तीसरे हैं वो जो डायरेक्टली पेनड्राइव गूगल ड्राइव ऑर्डर कर रहे हैं जब आप पेन ड्राइव गूगल ड्राइव ऑर्डर कर रहे हैं आपको सारी बुक्स साथ में ही आने वाली है ध्यान से सुनिए मैं तीन तरीके की बुक रिलीज करने वाला हूं मैं तीन तरह की बुक रिलीज करने वाला हूं इंटर के लिए सबसे पहली बुक है रेगुलर बुक ठीक है यह है रेगुलर बुक जिससे हम लोग अभी भी पूरा क्लास पढ़ रहे हैं अनसोल्व प्रॉब्लम है जिसको हम क्लास के अंदर में सॉल्व करते हैं ठीक है जो बच्चा सिर्फ बुक भी बाय कर रहा है याद रखें इसके अंदर में आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व चाहिए तो आपको क्वेश्चन सेपरेटली लेना पड़ेगा अनसोल्व क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाएंगे ठीक है दूसरी बुक आपको इश्यू होने वाला है वो है क्वेश्चन एंड टैक्स वेदा इसके ऊपर एज ऑफ नाउ काम चल रहा है कोई भी बच्चा पेनड्राइव गूगल ड्राइव या लाइव स्ट्रीम भी लेता है तो पहले आपको ये बुक आ जाएगा रेगुलर बुक क्वेश्चन टैक्स वेदा जो है ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा राइट जैसे ही वो बन जाता है हम आपको सेकेंड शिपमेंट के अंदर में इसे भेज देंगे थर्ड चीज जो आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है चार्ट्स ये पूरा डायरेक्ट टैक्स के बड़े बड़े चार्ट्स रहेंगे इन चार्ट्स के ऊपर भी एज ऑफ नाउ काम चल रहा है अगेन इसका एक और शिपमेंट आपको आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन और चार्ट एक शिपमेंट में आ सकते हैं या मल्टीपल शिपमेंट में भी आ सकते हैं जैसे जिसका प्रिंटिंग जल्दी हो जाएगा वैसे हो जाएगा राइट right? कोई अगर सिर्फ बुक्स क्वेश्चन चार्ट लेना चाहता है तो इसकी भी पार्ट ओपन करें हैं पर वो सिर्फ सेल के लिए अवेलेबल होंगे डन मालिक अब आपके सवाल को ले रहा हूं मैं सर लाइव स्ट्रीम ऑल सब्जेक्ट मिलेगा क्या बाकी टीचर से भी आप पूछ लीजिए अकॉर्डिंगली कंफर्म कर लीजिए सर अगर कॉम्बो लेंगे तो आपकी क्लास लाइव नहीं मिलेगी क्या बेटा कॉम्बो के केस में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या सारे टीचर लाइव स्ट्रीम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सर कैसे मैनेज करें आपका बुक मॉड्यूल नोटबुक बेटा आदित्य आपको कोई भी एक चीज को स्टिक रहना पड़ेगा जैसे अगर मैं इसकी बात करूं इस बुक की तो इसके अंदर में हमने सब कुछ कंसिडर करके रखा है तो आपको सेपरेटली फिर वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर मुझे मेरे इंटरनेट पे भरोसा नहीं है आप पेनड्राइव गूगल ड्राइव पे जाओ बेटा इफ अ लेक्चर इज मिक्सड इन लाइव स्ट्रीम मुक्ता लाइव स्ट्रीम का मतलब है एज गुड एज लाइव क्लासेस लाइव क्लासेस आप मिक्स कर देते हो तो क्या उसका कोई बैकअप हो पाता है नहीं तो लाइव स्ट्रीम में भी बिल्कुल वैसे ही होगा सर जीडी का लिंक कब मिलेगा ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है बेटा इफ प्रॉपर्टी इज इन इंडिया शुभम आप मुझे इस कंसेप्ट का जवाब दे प्रॉपर्टी इंडिया में है इसे बेचा कहां टैक्स आना चाहिए ऑब्वियसली इंडिया प्रॉपर्टी फॉरेन में है उसे बेचा कहा अगर पैसा उसका इंडिया में मिला तो टैक्सेबल इन इंडिया पैसा फॉरेन में ही मिला रो रो आर ओ आर हो टैक्सेबल आर एन एन ओ आर आर हो नॉट टैक्सेबल सर सभी सब्जेक्ट्स की बुक आएंगी क्या सेपरेट परचेस करने के लिए नहीं ये टीचर्स का इंडिविजुअल डिसीजन है वो कौन सी बुक बुक सेल के लिए रखना चाहते हैं ये टीचर्स का डिसीजन है तो अकॉर्डिंगली आपको वेबसाइट पे बुक सेल आएगा नीचे वहां देखेंगे वट इज वन पॉइंट फाइव व्यू वन पॉइंट फाइव व्यू इज ये घंटे का लेक्चर है. है. है कि बच्चा बोलता है यार मैंने तो पर मेरे को कंसेप्ट याद नहीं आ रहा अब ऐसे केसेस में वो वन पॉइंट फाइव व्यू का इस्तेमाल करता है एक बार तो उसने ऑलरेडी देख लिया है तीन घंटे का पूरा लेक्चर वन पॉइंट फाइव व्यू का मतलब ये तीन घंटे का लेक्चर आप साढ़े चार घंटे तक के कभी भी देख पाओगे फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले नॉर्मल स्पीड के अंदर में लेक्चर देख लिया तीन घंटे वहां खत्म हो गए आपको याद आया अरे यार ये कोई कंसेप्ट था मेरे को इसको फिर से देखना है टीचर ने क्या पढ़ाया था बराबर है अब भी आपके पास डेढ़ घंटे का एडिशनल व्यू बचेगा कभी फ्यूचर में जाकर के वापस से की डालिए और वो डेढ़ घंटे तक आप फिर से एक बार देख पाएंगे ये होता है 1.5 व्यू सर अगर हम पेन ड्राइव लेते हैं तो क्या दिन में सिर्फ एक ही लेक्चर देख पाएंगे बेटा तेरे पास पेन ड्राइव है पेन ड्राइव में डेटा है तू तो कितने बार भी देखना एक दे, दो देख तीन देख ये तेरा ऑप्शन है अच्छा, सर पेन ड्राइव लेंगे तो लेक्चर रोज कैसे अपडेट होंगे इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो बच्चा ड्राइव या गूगल ड्राइव ऑप्ट कर रहा है इन्हें दो से तीन शिपमेंट के अंदर में पूरे लेक्चर आएंगे सबसे पहले आपको 10 से 12 लेक्चर पेन ड्राइव के थ्रू भेज दिए जाएंगे जब आप ये 10 से 12 लेक्चर देख लोगे तब तक के आगे के लेक्चर जो यहां रिकॉर्ड हुए हैं वो आपको नेक्स्ट पेन ड्राइव के अंदर में आ जाएंगे और इसी तरीके से आपका कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा सो दैट अपडेटेड लेक्चर आप तक के पहुंचे तो मल्टीपल शिपमेंट आपको रिसीव होगी ये बात याद रखिए चाहे वो बुक्स की हो चाहे वो पेनड्राइव की हो मल्टीपल शिपमेंट रिसीव होगी बेटा आपने गूगल ड्राइव परचेस किया है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर लाइव स्ट्रीम में क्यों आ रहे हो सेम लेक्चर ही आने वाले हैं आपको जो मैं लाइव स्ट्रीम में लूंगा सर थियोरटिकल क्वेश्चन आए तो क्या लिखना पड़ेगा जैसा अभी अपन ने आंसर लिखा है बेटा बिल्कुल वैसे ही आंसर आपको लिखने पड़ेंगे सेम आंसर आईसीएआई की बुक में भी है बेटा खुशबू अगर आपने जी डी परचेस कर लिया है, लिंक मिल गया और डाउनलोड नहीं हो रहा तो एक बार प्लीज अपने डाउनलोड अपने इंटरनेट को चेक करो ऐसा हो सकता है मेरे का, मेरे साथ ऐसा होता है ऐसा हो सकता है कि फिर इंटरनेट रिलेटेड कोई इशू हो सर क्या पूरा कंटेंट है बुक में जी हां सर जितना आपके एग्जाम से रिलेवेंट पूरा का पूरा है अगर कोई चीज रिपीटेड हो रही होगी तो वो इसके अंदर में नहीं है बट बाकी अदरवाइज मिसिंग कुछ नहीं है हंड्रेड परसेंट कवर है नैन जी आप क्वेश्चन गलत पूछ रही हैं क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है सर अगर वीडियो देखते देखते कॉन्सेंट्रेशन चला गया तो क्या बैक कर सकते हैं क्या तीस चालीस सेकेंड के लिए हां बेटा पेनड्राइव में यह पॉसिबल है पेनड्राइव गूगल ड्राइव दोनों में यह पॉसिबल है लाइव स्ट्रीम में पॉसिबल नहीं Drive, Drive में है पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में पॉसिबल है बिंदास आप रोक भी सकते हो लेक्चर जहां हो वहां पॉज कर दो उठ के जाओ काम कर लो वापस आके फिर स्टार्ट कर लो ऑप्शन पॉसिबल है कभी जैसा कि मैंने कहा कि आप तीन घंटे का लेक्चर साढ़े चार घंटे तक कभी भी देख सकते हो लेट so से आप लोगों ने एक लेक्चर को वन पॉइंट थ्री की स्पीड में देखा तो तीन घंटे का लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा आपके पास फिर भी आवर्स बचेंगे उसे देखने के लिए तब देख सकते हो मासूम आपको एक्ट ही देख करके वो समझ में आ जाएगा तो आपको एक्ट तो देखना ही पड़ेगा चेंजेस से रिलेटेड गूगल ड्राइव पे रोज लेक्चर अपडेट होते हैं क्या यस बेटा जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे होगा वैसे ही वो गूगल ड्राइव पे अपडेट हो जाएगा मे बी वन डे लग सकता है प्रोसेसिंग के लिए बट वो अपडेट हो जाएगा जब तक कि आप पहला लेक्चर देखोगे दूसरा आ जाएगा अभिषेक आप एक काम कर सकते हैं आप फास्ट ट्रैक ले सकते हैं अगर आपको भरोसा नहीं है यू आर अबाउट टू गिव इट टू मे आप फास्ट ट्रैक ले सकते हैं फास्ट सी ए इंटर का हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर में लॉन्च कर रहे हैं नैन्सी इट इज टैक्सेबल इन इंडिया सेक्शन नाइन सर तो पीडी से बेटर जीडी हुआ ना दोनों सेम चीज है बेटा पेनड्राइव में पेनड्राइव आपके पास रहेगा हां पीडी और जीडी से में बेटर चीज क्या हो सकती है मैं आपको बताऊं जीडी हो सकती है या आप किस एंगल में सही कह रहे हो क्योंकि आपको डेली लिंक मिल जाएगा इतना है यह बात कंफर्मड है और आपका पेनड्राइव का कॉस्ट बचेगा वो अलग कल से मेरा क्लास नहीं है बेटा कल से जीएसटी का रहेगा डायरेक्ट एक्सेस यहां पे मे ट्वेंटी वन वालों के लिए मैं खत्म कर रहा हूं सर जो लैपटॉप है अगर ये बीच में खराब हो जाता है तो हमारी टेक्निकल टीम है आप इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे आगे एक चैप्टर आता है बेटा डिडक्शन करके आपको पता चल जाएगा उसमें कि डिडक्शन कहां लिया जाता है बेटा फाइनेंस एक्ट में अपडेट आता है वो ऐसी ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है अविनाश आप सेम लेक्चर लिंक यूज कर सकते हो जो एडिशनल टॉपिक्स है वो आपको अलग से प्रोवाइड हो जाएंगे सुरवी आपका ऑर्डर अगर बार बार फेल हो रहा है तो प्लीज एक बार मुझे व्हाट्सएप कीजिए मैं करवाता हूँ उसको प्रोसेस सर पेनड्राइव में लेक्चर को कैसे प्लान करें सी अगर आप पूरे ग्रुप वन का पेनड्राइव ले रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक डेडिकेटेड स्लॉट रख ले जैसे दो घंटा सुबेरे अकाउंट्स फिर लॉ फिर कॉस्टिंग फिर टैक्स और डेली बिना चूके आप ऐसा समझ लीजिए आप क्लास में बैठे हैं बिना चूके आपको ये काम करना है इसमें अगर आप करते हो तो गलत होगा थैंक यू सो मच नहीं सर अब नहीं दिखूंगा मैं आपको यहाँ पे लाइव थोड़ा सा अब मैं रेगुलर लेक्चर जो कंप्लीट करने हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूंगा ये आप लोग के लिए एक कई बच्चे थे जो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज हमें डेमो भी देखना है वी नीड टू बी श्योर प्लस हमारा टाइम भी अभी वेस्ट हो रहा है जब तक रिजल्ट आ रहा है हम इंटर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए वी स्मार्ट ने एक यू you नो know, ये प्रैक्टिस करी थी कि हर टीचर अपने कुछ ना कुछ टॉपिक्स इसके ऊपर ले लेंगे लाइव के ऊपर इससे बच्चों का टाइम भी यूज हो जाएगा बच्चे पढ़ भी लेंगे एंड दे विल बी श्योर अबाउट द टीचर एंड द कोर्स नहीं पॉसिबल है कभी ऐसा एक लिंक एक ही लैपटॉप पे वर्क करती है और उसे एक ही व्यक्ति देख पाता है ये दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर था थैंक यू सो मच रेगुलर लेक्चर येस सर ढाई से तीन घंटा या साढ़े तीन घंटे के भी होते हैं जीडी का वैलिडिटी का सिक्स मंथ का और ट्वेल्व मंथ का बता दूं। देखिए, जनरली कोई भी पेनड्राइव जो होता है जिस दिन से आपने लिया उस दिन से वैलिड होता है फॉर सम अंडरस्टैंड लेट से आपने आज ऑर्डर कर दिया सेवन वन ट्वेंटी वन को आज आपने पेनड्राइव ऑर्डर कर दिया सपोज यह पेनड्राइव आ जाता है आपके पास 15 वन 2021 को दो बातें होंगी किसी बच्चे ने एक्साइटमेंट में इसी दिन एक्टिवेट कर लिया किसी बच्चे ने इसे 16 एक 2021 को एक्टिवेट कर लिया ठीक है किसी बच्चे ने इसे एक फेबर 2021 को एक्टिवेट किया ध्यान से सुनना जहां से आप एक्टिवेट करते हो वहां से सिक्स मंथ की वैलिडिटी होती है जहां से आप एक्टिवेट करते हो वहां से सिक्स मंथ की वैलिडिटी होती है जहां से परचेस किया वहां से नहीं परचेस भले आपने सात एक को किया होगा पर आपने जब से उसे देखना चालू किया वहां से एक्टिवेट हो गया अब छ महीने तक के लेक्चर आप कभी भी देखिए जितने नंबर ऑफ व्यूज दिए हैं वो व्यूज को खत्म कीजिए काम खत्म जनरली कई बार बच्चे छह महीने के अंदर भी ये लेक्चर नहीं खत्म कर पाते वो सीरियस नहीं होते डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते और ये कंप्लीट नहीं कर पाते ऐसे केसेस में वी स्मार्ट ने इस बार कोविड हेल्प में क्या किया है छह महीने के ऊपर अगर एक्सटेंड करवाना है तो कर सकते थे बट इसके लिए फिर थर्टी परसेंट कॉस्ट लगता था वी स्मार्ट ने एज ऑफ नाउ क्या ऑफर किया है कि ये थर्टी परसेंट भी हमें नहीं चाहिए आप छः प्लस छः महीने की वैलिडिटी स्ट्रेट अवे फ्री ले लो यानी ने आपका थर्टी परसेंट कॉस्ट वहां भी बचा लिया। स्मार्ट ने आपका थर्टी परसेंट कॉस्ट वहां भी बचा लिया और आपको बोला बेटा जनरली जहां हम छह महीने की वैलिडिटी के साथ आते हैं आपको बारह महीने की वैलिडिटी दी साल भर तक आप कभी भी इसे देख लो साल भर के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन नॉट परचेज तो सर मैंने परचेस किया एक्टिवेट ही नहीं किया तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप एक्टिवेट करोगे वहां से छह मंथ या बारह मंथ का सवाल आएगा थैंक यू टू ऑल द मैंगलोर स्टूडेंट्स सर हम वापस से इनक्रिप्टेड लेक्चर से स्टार्ट करें या चैप्टर नंबर वन और टू देखें अगर आप मेरे साथ बेटा पंद्रह दिन से कंटिन्यूस देख रहे हैं तो फिर आपको वापस से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली इसके आगे देखें सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से लेक्चर में क्या है जब मेरा लेक्चर आता है तो इसके साथ एक एक्सेल शीट आती है लेक्चर वाइज शेड्यूल होता है ये लेक्चर शेड्यूल में आपको पता चल जाएगा कौन से लेक्चर में क्या है तो जहां से फिर थर्ड चैप्टर चालू होगा एग्रीकल्चर वहां से आप डायरेक्टली चालू कीजिएगा इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और क्लासेस भी हो जाएगी सर फाउंडेशन फेल हो गए और हमने एक्टिवेट कर दिया तो सर उस केस में कुछ नहीं हो सकता रीजन ये है कि एक्टिवेट आपने कर दिया तो वहां से 12 महीने हैं आपके पास ये ऑफर इसी के लिए रखा गया था कि 12 महीने हैं। आप फिर भी क्या कर पाओगे फाउंडेशन दे करके वापस छह महीने के अंदर में क्लासेस कर पाओगे सर ग्रुप वन ग्रुप टू एक साथ कैसे प्रिपेयर करें एक साथ नहीं पॉसिबल है आपको पहले ग्रुप वन की क्लासेस कंप्लीट करनी होगी या तो ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट करनी होगी और फिर दूसरा ग्रुप उठाना होगा दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है बेटा रोही आपके केस में आपको सिंपली एक काम करना है कि अगर मान लीजिए आप है तो भी बुक तो एक ही आएगी ना जीडी भी ले रहे हैं आप तो बुक तो एक ही आएगी ना बेटा सर मे 21 एक्सटेंड होगा क्या नहीं आइडिया वेबसाइट रेफर करें सर इस टाइम पे ग्रुप वन एंड ग्रुप टू की प्रिपरेशन हो सकती है क्या बिल्कुल हो सकती है बेटा सबसे पहले ग्रुप वन कंप्लीट कर लो फिर ग्रुप टू ले लो या ग्रुप टू ले लो फिर ग्रुप वन ले लेना एक दिन में ग्रुप वन के कितने लेक्चर देखने चाहिए चारों चारों आप मान के चल लो आपकी लाइव क्लास है कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें भाई साहब कॉलेज कहां से आया बीच में अभी अभी तो सारे कॉलेज बंद है सर लाइव स्ट्रीम साढ़े तीन घंटे के होंगे बेटा आप लेक्चर अच्छा कुलदीप ठीक है नहीं जीएसटी आपको साथ में प्रिपेयर नहीं करना बेटा पहले डीटी और फिर जीएसटी हां बेटा जिस लैपटॉप पे आपने एक्टिवेट किया उसी लैपटॉप पे चलेगा वो आप डेली लैपटॉप बदलोगे वो नहीं चल पाएगा जनवरी एग्जाम में न्यू एमसीक्यू करना है हाँ बेटा कर लेना नहीं बेटा सारी क्लासेस दीपक यूट्यूब के ऊपर नहीं थी दो चैप्टर थे दो चैप्टर हो गए इसके बाद पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव लेना होगा बेटा डेस्कटॉप के ऊपर नहीं चलेंगे ये लेक्चर कंप्यूटेड वर्ड का मीनिंग मैंने बताया बेटा कंप्यूटेड वर्ड नहीं लिखा होगा तो थर्टी परसेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा कितनी बुक्स आएंगी इस बात का डिटेल बेटा मैंने दिया है प्लीज चेक कर एक बार सर कब तक खत्म हो जाना चाहिए ग्रुप वन करीब चार महीने लगने चाहिए एक लेक्चर तीन से साढ़े तीन घंटे का होगा बेटा टैबलेट पे चल जाएगा एंड्रॉइड बेस्ड डन प्रभु सो दिस वाज ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपना पूरा ख्याल रखें पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव के बारे में जो भी है फटाक से डिसीजन ले लें और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें दैट्स ऑल फॉर माई साइड थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर